नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सबसे भरोसेमंद चैनल। पहले पार्ट में, इस वीडियो के पहले पार्ट में आपने देखा था कि किस तरह से संतोष कुमार सिंह जी, जो कि है भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने बताया कि ये पीएम रिलीफ फंड जो है, इसमें सभी बीएमएस के सभी एम्प्लॉयज़ किस तरह से वॉलंटरीली डोनेट करेंगे एक दिन का वेतन। और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जीडीएस और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉयज़ को जो दिक्कत आ रही है आने जाने में, उनके लिए क्या संदेश है, उनके पास किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व किया जाए। तो आगे आप देखते रहिए हमारा चैनल। और सर, एक शिकायत जो सभी जीडीएस से आ रही थी, मतलब कुछ लोग तो है जो एसेंशियल सर्विस पे गिना गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को बहुत खुश है, बस कुछ लोग हैं जो जा नहीं पा रहे काम पे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो थोड़ी शिकायत भी कर रहे हैं अभी? नहीं, देखिए, जो नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। तो ज्यादातर जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं जी। तो कोशिश करना चाहिए कि कहीं ना कहीं से सुरक्षा के साथ, ऐसे गाँव में इसका असर बहुत कम है और फिर भी पूरी सुरक्षा करते हुए जो है सब बताने की जरूरत नहीं है, मास्क लगा के जाइए, किसी चीज को टच करिए तो तुरंत हाथ धो लीजिए, सावधानी बरतते हुए जहां मौका मिले, चूंकि आज की बात नहीं है, बहुत पहले से प्रारंभ से जी। अपना जो डाक विभाग है एसेंशियल सर्विस की श्रेणी में आता जी, है, इसलिए हमारी सर्विस जो है कंटिन्यू है। आप देख रहे होंगे कि ये है बेसिक चीजें आजकल बदलते भारत में, बदलते विश्व में कहा जाए जी, सब शॉपिंग मॉल वगैरह में सब्जी वगैरह बिकने लगी थी, बिल्कुल सारी चीजें एक जगह लोग खरीदते थे, कहाँ गए शॉपिंग मॉल वगैरह जी, देखते ही सरकार ने भी बंद कराया, लेकिन वो सब खुद भी बंद करके हट गए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डाक विभाग के कर्मचारी, मैं लखनऊ में हूँ, हमारे यहाँ में जो सरकारी गाड़ी है मेल मोटर, उससे आम आदमी की आवश्यकता की चीजें, सब्जी, साबुन, तेल, दवाइयाँ लेकर के गाड़ियाँ मोहल्ले मोहल्ले जा रही हैं जी, बिल्कुल, हमने भी दिखाया ये। कल जब समीक्षा होगी ना जी, तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सड़क पर खड़ी दिखाई पड़ रही है डाक विभाग के रूप में। हाँ, हमारे सिपाही हैं, सुरक्षा की ओर से सफाई कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टरों की टीम, आज कौन खड़ा है रोड पर, आज हम ही लोग खड़े हैं ना, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा कदम है। देखिए, एक बात बताऊं, जहां भी अपने इसके माध्यम से आप अपील कर सकते हो जी, आज अगर हमारा डाक विभाग का कर्मचारी सावधानी बरतते हुए और आम आदमी की सेवा में लगा रहा जी, कल जो ये प्राइवेटाइजेशन का दौर आया है ना, निजीकरण हो रहा, कोई डाक विभाग की इन कामों को देख करके जी जी, कोई डाक विभाग को प्राइवेट करने की कल्पना भी नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ जाएगा सबको, आ रहा है, आ गया जी। एक विभाग ऐसा है, देखिए, सिक्योरिटी अलग चीज है, डॉक्टर अलग चीज है, उनका तो इस समय मिलने की आवश्यकता है, लेकिन डाक विभाग जो है वो इस रूप में लोगों की सेवा के लिए खड़ा हो जाएगा आगे आकर के, ये बहुत बड़ी चीज है। तो जहां मौका मिले है, सावधानी बरतते हुए, प्रधानमंत्री जी की अपील को ध्यान में रखते हुए, हम लोगों को सेवा का अवसर कोई अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए जी, बिल्कुल। देखिए, जीडीएस का क्या है, आज अगर डाक विभाग प्राइवेट हो जाए, मानो बाय चांस जी, तो अभी जीडीएस का भविष्य क्या, वो तो अधर्म है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता है, हमको लोगों को भी सबसे ज्यादा चिंता जो होती है जी, हम सरकारी कर्मचारी हैं, 100 रुपया कम मिलेगा, 100 रुपया ज्यादा मिलेगा, लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन हम परमानेंट कर्मचारी हैं, रिटायर होंगे, पेंशन भी पाएंगे, मगर जीडीएस का भविष्य अभी बहुत अधर्म है। बहुत काम इस सरकार ने किया है जीडीएस के लिए, बहुत काम किया है जी, लेकिन अभी बहुत काम होना बाकी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अगर प्राइवेट हो जाए तो सबसे ज्यादा खतरा उसी जीडीएस कर्मचारी के अस्तित्व को पड़ेगा जो विभाग को चला रहा है, बिल्कुल सही बात। तो इस समय जो आपकी सेवाएं हैं वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगी पब्लिक के लिए, सरकार के लिए, प्रधानमंत्री जो भी राजनेता, उनके लिए एग्जाम्पल बन रहा है कि इतनी दैवीय आपदा में जब अपनी जान बचा के लोग घरों में छिप गए हैं, बिल्कुल, डाक विभाग लोगों की मदद करने के लिए सड़क पे आगे खड़ा है, बिल्कुल। तो और इसमें सब तरह की मदद होनी चाहिए, इसीलिए हमको वो सामाजिक कार्य भी करना है, और जो दूसरे लोग पीड़ित हैं, प्रधानमंत्री जी का देख रहे हैं, भारत सरकार का खजा, कल लोग कहते थे सरकार बड़ी कंजूस सरकार है, बिल्कुल कहते थे ना, बिल्कुल। आज क्या हो रहा है, आज जरूरत पड़ी देश को तो सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने और माननीय प्रधानमंत्री ने जी, भारत सरकार का प्रदेश का खजाना खोल दिया है एकदम एक तरफ से,
एक एक आदमी की चिंता सरकार कर रही, तो सरकार के लिए हम लोग तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लिमिटेड गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो एक दिन का वेतन देने में किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने अपील किया है। ऐसा भी हो सकता है कल प्रधानमंत्री जी कहें 5 दिन का वेतन चाहिए, 3 दिन का वेतन चाहिए, तो हम वो भी करेंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, जी जी ठीक है सर, धन्यवाद आपने अपना समय दिया हमें। नहीं, कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये सारे जितनी भी आपने जानकारी दी सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, धन्यवाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे संतोष कुमार सिंह जी को, और इसी तरह की वीडियोस और इस तरह के इंटरव्यूज हमारे चैनल पर आते रहते हैं, और सीधी बात में हम सीधा सवाल पूछते हैं। तो इस तरह की और भी वीडियोस और न्यूज़ के लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।